हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हिंदू संगठनों के आह्वान पर आबू रोड बंद रहा सफल। दोपहर 2 बजे तक बंद रहे व्यापारिक प्रतिष्ठान, स्वेच्छा से ही बंद रखे व्यापारिक प्रतिष्ठान। शहर के मुख्य मार्गों से रैली निकालकर किया विरोध प्रदर्शन। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपा गया ज्ञापन। पुलिस की ओर से सुरक्षा के लिए किए गए माकूल इंतजाम। हिंदू संगठनों की ओर से दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद करने का खास असर रहा। बाजार पूरी तरह से बंद रहा। सुबह से ही व्यापारी प्रतिष्ठानों के ताले नहीं खुले। वहीं हिंदू संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बाजार का जायजा लिया। जूनी खराड़ी स्थित राम जी मंदिर से लोगों का काफिला रैली के रूप में निकला। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली रैली में महिलाओं की बड़ी तादाद रही। नारेबाजी करते हुए देशभक्ति के उद्घोष लगाते लोगों का काफिला रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई। समुदाय विशेष के युवक द्वारा युवती को भगा ले जाने के मामले में आक्रोशित हिंदू संगठनों की ओर से दोपहर 2 बजे तक बाजार बंद रखने का खासा असर देखने को मिला। बाजार पूरी तरह से बंद रहा। सुबह से ही बाजार में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। सदर बाजार, मानपुर, केसरगंज स्टेशन चौराहा, अंबाजी चौराहा, हरियाणी तिराहा, सब्जी मंडी समेत समूचे शहर में प्रतिष्ठान बंद रहे। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, हिंदू जागरण मंच, आरएसएस, शिवसेना, भाजपा के कार्यकर्ता व पदाधिकारी जूनी खराड़ी स्थित रामजी मंदिर पर एकत्रित हुए। बड़ी संख्या में महिलाओं की भी मौजूदगी रही। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम के उद्घोष के साथ लव जिहाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। लोगों का हुजूम रैली के रूप में तहसील कार्यालय के लिए रुखसत हुआ। नारेबाजी करते उद्घोष लगाती आधी दुनिया व लोगों का हुजूम शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ तहसील कार्यालय पहुंचा, जहां राज्यपाल के नाम तहसीलदार रामस्वरूप जोहर को ज्ञापन सौंपा गया। राज्य में उत्तर प्रदेश, गुजरात व मध्य प्रदेश की तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की मांग की गई। इस अवसर पर विधायक जगसी राम कोहली, नगर पालिका चेयरमैन दान चारण हरेंद्र सिंह, गोविंद मालवीय, पालिका उपाध्यक्ष रवि शर्मा समेत बड़ी संख्या में महिलाएं, व्यापारी व हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौजूद थे। ज्ञापन की वानगी। राज्यपाल के नाम तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन के अनुसार राजस्थान में लव जिहाद के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के कुछ षड्यंत्रकारी तत्वों द्वारा समाज का वातावरण दूषित करने की नीयत से लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन कराने की चेष्टा जारी है। गत कई वर्षों में लव जिहाद के सैकड़ों प्रकरण सामने आए। हर वर्ष इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें हिंदू समाज के युवतियों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देकर धन बल के दबाव से मजबूर करते हुए विवाह कर धर्म परिवर्तन कराने की नापाक हरकत की जा रही है। इस बारे में सूचित करने के बावजूद आमतौर पर राजनीतिक संरक्षण व दबाव के चलते पुलिस प्रशासन द्वारा मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाता है। यह पूर्णतया अनुचित है। लव जिहाद के प्रकरण को लेकर सिरोही जिले में भी, जिसमें मुस्लिम समुदाय के लड़के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बहला फुसला कर हिंदू समाज की लड़की को भगा कर धर्म परिवर्तन कराने का नापाक प्रयास किया गया, ऐसा ही मामला 31 जुलाई को भी सामने आया है, जिससे क्षेत्र में लोगों में भारी आक्रोश है। इसी के चलते आबू रोड का बाजार भी बंद किया गया। ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई को लेकर सख्त कानूनी नहीं होने से पुलिस प्रशासन पंगु है। ज्ञापन में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य की तर्ज पर लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की गई। जागरूक टीवी के संवाददाता से बात करते हुए आबू रोड रेवदर विधायक जगसी राम कोहली, इन्होंने ये कहा, आज को लेकर पिछले तीन दिन से घटनाक्रम जो हुआ, असामाजिक तत्व ने जो जिस लड़की के साथ में छेड़छाड़ी और भगाने का जो मामला सामने जो आया, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा कर आबू रोड शहर ने पिछले दिनों से बहुत चिंताजनक रहा मामला। अपने आप प्रतिष्ठान उन्होंने दुकानें बंद की, मार्केट बंद किया और आज राज्यपाल के नाम से ज्ञापन जो दिया है, और मुझे, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की ओर से मांगे कि इसका कानून बनाया जाए ताकि ऐसे मामले कभी न सामने आए। इस तरह का मामला जो है, और बहुत रोष भरे इस क्षेत्र की जनता जो है, ये बदमाश लोग जो हैं, इस तरह की प्रवृत्ति को, मैं समझता हूं कि ऐसा आज तक नहीं हुआ। और इस सरकार के अंदर, वर्तमान में कांग्रेस सरकार ने, गहलोत साहब ने इस चीज़ को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अपनी तरफ से विधानसभा में मामले इस तरह के उठाए जाएंगे? मैं निश्चित तौर पे इस मामले को विधानसभा तक पहुंचाने का मेरा पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा और निश्चित तौर पे इस मामले को उठाऊंगा। जागरूक टीवी के आबू रोड से मनोज चौरसिया की रिपोर्ट।